होशंगाबाद थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी जवाहर यादव की जिलाधिकारी के निर्देश पर 85 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर अपराधी जवाहर यादव पुत्र राम अवधि यादव निवासी मदरहवा सुब्बा बाजार थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर की गैंगस्टर एक्ट के तहत ग्राम रानी रिहा थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर में स्थित आराजी संख्या 96 कार्यालय दूसरा जंगल सिकरी स्थित आराजी संख्या 69 आवास व कार्यालय व आराजी संख्या 66 तीसरा सेक्टर स्थित आराजी संख्या 159 व आराजी संख्या 160 तथा अन्य आराजी आवासीय भूमि है जिसकी कुल कीमत लगभग 85 करोड़ रुपए की है, जिसको तहसीलदार की मौजूदगी में जब्त किया गया। एसपी सिटी ने बताया कि अभियुक्त एक पेशेवर भूमाफिया है जो कि दूसरों की जमीन पर कब्जा कर करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई थी, जिसको कुर्क किया गया है। इस अवसर पर सीओ कैंट योगी इंद्र सिंह, खोराबाड़ थाना प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार विकास सिंह एवं एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, आप वाला ताला लगाएंगे? ये ताला नहीं लगेगा, ये ताला अपने पास रहेगा। नहीं नहीं, दूसरा ताला होगा। कहाँ है मोमबत्ती है ताला लगा रखे चाबी का यही देखो मैं आपको आजी बताइए फोन नहीं है एकदम जगह है अभी अच्छा रहे प्रॉपर्टी सुनो सुनो सुनो, श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय के कार्यालय के वार्ड संख्या 4475/2022 के अनुपालन में आज दिनांक 18/12/2022 को अभियुक्त गैंगस्टर का अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी मदरामा सुबह बाजार थाना खोराबाद जनपद गोरखपुर के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 338/2021 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना कैंट जनपद गोरखपुर में पंजीकृत है। उसके तहत 14(1) की आज कार्रवाई हुई है। यह एक भूमाफिया है जो स्वयं अपने गिरोह के सदस्यों के साथ आर्थिक भौतिक दुनियावी या अन्य लाभ प्राप्त करके उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर आम जनता को
मारपीट कर, डरा धमका कर जमीन कब्जा करना, कब्जा न मिलने पर हत्या करना व जमीन के नाम पर रुपए हड़पने जैसे गंभीर अपराध कारित किया गया है। इसके द्वारा अभियुक्त जवाहर यादव उपरोक्त विगत कई वर्षों से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए असंवैधानिक तरीके से काफी धन अर्जित कर अपने और अपने परिजनों के नाम से चल अचल संपत्ति खरीदा गया है। कार्रवाई में जंगल सीकरी में ये इन्होंने अपना कार्यारा बनाया है, जो गाटा संख्या 69 व गाटा संख्या 66 समाचीन है, जिसको आज 14(1) के तहत जब्त किया जाता है। धन्यवाद। उपस्थिति में मुकदमा अपराध संख्या 338/2021 धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत थाना कैंट में पंजीकृत मुकदमे से संबंधित अभियुक्त जवाहर यादव पुत्र राम अवध यादव निवासी बरदहा सुबह बाजार थाना खोराबाग जनपद गोरखपुर के विरुद्ध 14(1) की कार्रवाई के तहत जुर्म जराइम की दुनिया से अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों का जब्तीकरण की कार्रवाई के तहत सिक्टोर में अराजी नंबर 159 और अराजी नंबर 160 की जब्तीकरण की कार्रवाई की गई। जवाहर यादव हैं और इनके खिलाफ दिनांक 17/12/2022 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की गई है, जिसके क्रम में आज जो है ये कुर्की कार्रवाई की जा रही है। इनके द्वारा जंगल सीकरी उपखोराबार और ये रानी डीहा में सिक्टौर में काफ़ी जो है गैर कानूनी तरीके से जो है गतिविधियों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसी के खिलाफ ये सारी कार्रवाई की जा रही है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में स्पेशली भूमाफिया या किसी प्रकार का माफिया हो उसके खिलाफ कार्रवाई को और पुरजोर बल देने के अनुक्रम में ही आज एक भूमाफिया जवाहर यादव जो कि खोराबार थाना अंतर्गत रहता है और उसके द्वारा अपने पुत्रों और अन्य गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की। उसमें उसी संपत्ति के चक्कर में उन्होंने एक मर्डर भी किया, उसी मर्डर में ही उनके खिलाफ गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया है और करोड़ों रुपए की इन्होंने प्रॉपर्टी अर्जित की है जरायम की दुनिया से और उसके साथ साथ उनके करीबन कई सारे व्हीकल भी हैं। तो आज ये अटैचमेंट शुरू हुआ है, कई सारी संपत्ति है जो कई दिन तक ये अटैचमेंट चलेगा। उसमें से ये पहला अटैचमेंट है जो कि जंगल सीकरी में स्थित है, यहाँ पे ये इन्होंने अपना प्रॉपर्टी का ऑफिस बना रखा है और उसी प्रॉपर्टी के ऑफिस के माध्यम से ये जमीनों की खरीद फरोख्त और कब्जा करने का कार्य करते हैं। कुल संपत्ति 100 करोड़ से ज़्यादा की अटैचमेंट है टोटल और वो कई दिनों तक की जाएगी और उसका पूर्ण ब्यौरा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया जाएगा। इनके ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज। थैंक यू।